हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक कार है जो कि न्यू मॉडल XUV 300। ये जो कार है, इस कार के अंदर पूरा का पूरा कार पर स्टील क्रोम लगाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, ये जो स्टील क्रोम है पूरा का पूरा कार पर लगाया जा रहा है। ऊपर देखिए हेडलाइट पर लगा चुका हूँ ऑलरेडी, और नीचे देखिए फॉग लाइट पर अभी लगा रहा है। इस तरीके से पूरा का पूरा कार पर लगाए जाएंगे। लगाने के बाद भी आप लोगों को दिखाऊँगा ये जो स्टील क्रोम है कैसा दिखता है। देखिए यहाँ पर फॉग लाइट पर यहाँ पर लगाया जा रहा है स्टील क्रोम। इसका जो सेट है पूरा का पूरा सेट इसका लेके आया है। यहाँ पर देखिए इस तरफ भी हेडलाइट पर लगा चुका हूँ, और नीचे देखिए फॉग लाइट पर लगाया जा रहा है। ये देखिए, ये जो स्टील क्रोम है लगाने के बाद कार का जो लुक है काफ़ी अच्छी बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो जगह है इस पर भी लगाए जाएंगे। देखिए इसका नीचे से एक आएंगे और ऊपर से और भी दो आएंगे स्टील क्रोम। गाड़ी के हर जगह पर स्टील क्रोम लगाए जाएंगे। ये देखिए नीचे का जो स्टील क्रोम है लगा चुका हुआ, अभी ऊपर वाला स्टील क्रोम को लगाएंगे। अगर आप भी चाहते हो कि अपनी कार पर स्टील क्रोम लगवाना, तो फिर बहुत ही इजीली लगवा सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी, सो आप वहां से आप लिंक के ज़रिए बहुत ही इजीली आप परचेस कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक कंप्लीट लगाना नहीं हो जाते तब तक अच्छी नहीं लगेंगे आपको। ये देखिए यहाँ पर इसका ऊपर वाला जो कवर है वो भी लगा चुका है और भी लगा रहा है यहाँ पर। इस तरीके से पूरा का पूरा कार पर बैक लाइट और लुकिंग ग्लास पूरा का कार पर लगाए जाएंगे। उसके बाद आपको दिखाऊंगा इसका जो लुक है कैसा आ रहा है। ये देखिए काफ़ी अच्छी लग रहा है। यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है लगाना, ये भी कंप्लीट हो चुका है लगाना। ये देखिए काफ़ी लुक, इसका जो लुक है काफ़ी अच्छी लग रहा है। यहाँ पर देखिए जो लुकिंग ग्लास है इस पर भी लगाए जाएंगे। ये देखिए लुकिंग ग्लास पर, देखिए इस तरीके से लगाए जाएंगे लुकिंग ग्लास पर। आप भी बहुत ही इजीली लगवा सकते हो। ये देखिए हेडलाइट का जो क्रोम है, ये देखिए इस तरीके से लगेंगे, और नीचे देखिए फॉग लाइट इस तरीके से आएंगे। अभी चलिए देखते हैं कि बैक साइड पर जो क्रोम है वो किस तरीके से लगेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से बैक साइड का क्रोम लगेंगे, वो अभी लगाया जा रहा है बैक साइड का क्रोम। इसके अंदर एक्चुअली डबल टेप लगा हुआ होता है, डबल टेप का ज़रिए आप बहुत ही इजीली लगवा सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से बैक साइड का जो क्रोम है, इस तरीके से कुछ डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। अभी चलिए देखते हैं कि पूरा का पूरा कार का जो डिज़ाइनिंग है किस तरीके से आया है। ये देखिए हेडलाइट का क्रोम यहाँ पर, और साथ में देखिए नीचे जो फॉग लाइट है इसका भी क्रोम है यहाँ पर, और साथ में आगे चलिए ये देखिए डोर हैंडल का क्रोम, इसका नीचे भी आएंगे और साथ में ऊपर भी आएंगे ये पिचोला। ये देखिए आपका बैक साइड का जो लाइट है इसका क्रोम, बैक साइड का लाइट का नीचे जो एक लाइट है उसका भी क्रोम आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर भी एक क्रोम मिल जाएंगे मिडियल पर, ये रहा इसका क्रोम। काफ़ी अच्छी लग रहा है, काफ़ी अच्छी लग रहा है ये जो क्रोम है। क्रोम लगवाने के बाद काफ़ी अच्छी लग रहा है। ये जो क्रोम लगवाया गया है वो सुनामुरा त्रिपुरा का अंदर है, मदीना मोटर्स पर लगाया गया है ये क्रोम। अगर आप भी इस तरीके का क्रोम लगवाना चाहते हो तो फिर आप बहुत ही इजीली लगवा सकते हो, अगर आप त्रिपुरा से हो तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ मेरे चैनल पर।